नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु में आपके घर में यह पांच चीज होना ही चाहिए। अगर यह पांच चीज है तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन में उन्नति होगा ही होगा। तो ये पांच चीज क्या है? वास्तु का मुख्य केंद्र ये पांच वस्तुओं पर निर्भर करती है, पांच चीज पर निर्भर करती है, पांच एनर्जी पर निर्भर करती है। पांच का हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपके घर में तत्व का बैलेंस होना चाहिए, पंच तत्व का, वह बहुत आवश्यक है। और ये चीज आपके घर में अगर है तो आप जीवन में सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात आते हैं, कोई भी प्लॉट जब भी है या लेते हैं तो वह आयताकार हो या वर्गाकार हो, यह पहली चीज है। और यह प्लॉट का ढाल जो होना चाहिए यह दक्षिण से उत्तर की ओर हो और पश्चिम से पूर्व की ओर हो। यह ढाल, अगर प्लॉट सही है, ढाल सही है, तो सबसे समझिए कि उसमें आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी कि आपके जीवन में 90% प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं। क्योंकि यह एनर्जी को जो है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, आपका ऑरा मंडल है, इतना पॉजिटिव करता है, इतना व्यवस्थित कर देता है कि आपके घर में बहुत सारे दोस्त तो ऐसे समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है इंट्रेंस का। इंट्रेंस प्रॉपर जगह पर किसी भी दिशा में होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यह साउथ की दिशा में भी हो या नॉर्थ की दिशा में हो। अगर इंट्रेंस आपका गलत है तो नॉर्थ के दिशा का भी मकान आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ईस्ट के दिशा या पूर्व की दिशा की का अगर इंट्रेंस सही दिशा में नहीं है, सही जगह पे नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इंट्रेंस होना कहाँ चाहिए? आप देखिए, कोई भी एनर्जी जो सर्कुलेट करता है वह क्लॉकवाइज सर्कुलेट करता है, इसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि घड़ी को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलता है वैसे आपके घर में भी एनर्जी सर्कुलेट करता है। प्रतीक कोण अगर 90 डिग्री का है और एनर्जी आपका सर्कुलेट होता है, सकारात्मक होता है, तो बैलेंस एनर्जी आपके घर में बैलेंस रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अगर यह कोई कोना बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, इसका मतलब समकोण नहीं है, तो ये अनबैलेंस एनर्जी देगा, निगेटिव एनर्जी देगा और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो दूसरा चीज आपने जो करना है, आपको जो करना है वो क्या है, वह इंट्रेंस को सही करना है। इंट्रेंस को सही करने के लिए तीन चार चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि अपने समस्त घर के द्वार से बड़ा द्वार होना चाहिए मेन इंट्रेंस का, मेन गेट का, और वह इतनी पॉजिटिव हो, इतनी अच्छी हो कि कोई भी घर में अगर आपका प्रवेश करे तो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के प्रवेश करे, अच्छी सोच लेकर के प्रवेश करे, अच्छे विचार के साथ प्रवेश करे। अगर यही टूटा फूटा है, रंग उड़े हुए हैं, आवाज़ आ रही है या किसी प्रकार का जो है सो कोई कोना टूटा हुआ है, तो आप समझिए या तो कलर वहाँ का खराब हो गया है, तो वह जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा या कोई एनर्जी प्रवेश करेगा आपके घर में, तो आप समझिए कि ये सकारात्मक प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो दो चीज़ तो प्रत्येक घर में जरूरी है अगर घर बनाना चाहते हैं, तो यह पहला और दूसरा हमने बताया। तीसरी बात है कि नॉर्थ के क्षेत्र को व्यवस्थित करना। नॉर्थ का क्षेत्र क्यों व्यवस्थित करना? क्योंकि सारी जो एनर्जी अवसर के रूप में परिवर्तित होता है वह नॉर्थ से होता है, जिसको हम कहते हैं जीरो डिग्री।
जीरो डिग्री में क्या होना चाहिए जो आपके लिए अवसर लेकर के आएगा, और क्या नहीं होना चाहिए जो आपके लिए जो है अवसर को नाश करेगा। वह है जीरो डिग्री पर जल तत्व है। जल तत्व में जल तत्व को आप रख सकते हैं। कभी भी भूल करके यहाँ टॉयलेट, किचन इत्यादि अगर रख लेते हैं तो एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगा और आपके जीवन में, घर में कभी भी जो है सो अवसर नहीं आएगा। तो यहाँ की एनर्जी को एनहांस तीन चार पॉइंट से हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि एक लंबा कोई भी गोल्डन फ्रेम में आप जो है सो आप एक तस्वीर लगाएं, जो खुले ग्रास से भरा हुआ, घास से भरा हुआ खुला मैदान हो और वो हरा हो, तो ये नॉर्थ के दिशा में लगाएं। दूसरा चीज, यहाँ पर वाटरफॉल की स्थिति जो है या उसका चित्र भी लगा सकते हैं, जो डायरेक्ट वाटरफॉल कैसे हो रहा है, पहाड़ इत्यादि ना हो। आप एक मान रखिए कि फव्वारा लगाते हैं तो उसका पानी बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर वहाँ से जो है सो अपने आप गिरता है। तो ऐसा वाटरफॉल लगाएं, ऐसा वाटरफॉल नहीं लगाएं जो कि ऊपर से पानी धीरे धीरे उतर करके नीचे आ रहा है, यह सही नहीं है। तो ये दो चीज़ आपके घर में अगर है। और तीसरा है कि प्लांट, छोटे पौधे, पौधा की बात कर रहे हैं, वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, विशाल वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विशाल वृक्ष मना ही है, मना किया हुआ है, नहीं लगाना इस क्षेत्र में। तो ये पौधा में चार पांच पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। एक तो आपको तुलसी है, दूसरा यहाँ पर मनी प्लांट है। अगर आप यहाँ ब्लू या ग्रीन कलर के वाटर कोई भी बोतल में आप मनी प्लांट लगा देते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ध्यान रखना है कि वह मनी प्लांट ऊपर से नीचे की ओर ना रहे, हर हमेशा मनी प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हो रहे, ये ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर बहुत आवश्यक है, अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा देगा। और चौथा चीज़ है कि जो फीस इम्पोरियम है वो रखा सकते हैं, फीस पॉट रख सकते हैं, जिसमें एक गोल्डन हो और चार पांच जो भी है सो ब्लैक मछली हो, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये चार चीज़ अगर नॉर्थ में रखते हैं तो, और वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर किचन नहीं है, वहाँ पर सीढ़ी नहीं है, तो आप समझिए वहाँ कोई गड्ढा नहीं है, वहाँ कोई जो है द्वार भेद नहीं है, खंभा इत्यादि ना है, तो आपके अवसर को कौन रोक सकता है? वास्तु ही आपको जीवन में सब चीज़ दे सकता है। और ये तीसरी बात हमने बताया। चौथी बात है कि देखिए, अवसर के क्षेत्र में आपको जो है बेनिफिट, प्रॉफिट के क्षेत्र में आपको कोई भी गुल्लक रखना है, पैसे का जहां आप इकट्ठा करते हैं गुल्लक बना करके, या वेस्ट के क्षेत्र में रखें, निश्चित करके वहां पर वाइट कपड़े पर और वाइट कलर से रंगा हुआ अगर आपका जो है सो गुल्लक है, तो ये आपको बेनिफिट में कई गुना वृद्धि ला देगा, कई गुना वृद्धि ला देगा। तो ये चीज़ आप अगर करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा ही। अब देखिए, जो पांचवा चीज़ है उसको ध्यान से देखना आवश्यक है। भैया, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, तभी तो आपको जीवन में पैसा बचेगा, आपके जीवन में खुशी रहेगी, आपके जीवन में शव आनंद आएगा। तो ये है क्या है? ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में एक धन्वंतरी जी का कलश लेते हुए, अमृत कलश लेते हुए आप फोटो लगाते हैं तो आपके घर में सभी स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और ईस्ट नॉर्थ के क्षेत्र में जो हैप्पीनेस का जोन है, वहाँ पूरी फैमिली का खिलखिलाता हंसता हुआ एक तस्वीर लगा दे तो घर में आपको स्वास्थ्य भी रहेगा, हैप्पीनेस भी रहेगा और जीवन में आपको तरक्की मिलता ही रहेगा। और एक अंतिम महा उपाय है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यह ईस्ट और साउथ के क्षेत्र जिसको अग्नि के क्षेत्र में कहते हैं कि एक यज्ञ करता हुआ ऋषि मुनि का चित्र लगा दें, जो वहाँ पर यज्ञ हो रहा हो, आग चल रही हो और उसमें आपकी, आपके खुशी के लिए आहुति दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? जो पवित्र हैं, आत्मा से पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं, जन कल्याण के लिए ही वो अपना जीवन लिए हैं,
तो ऐसे लोगों को अगर वहाँ यज्ञ करते हुए बैठाते हैं तो आपके जीवन में खुशी आएगा ही, कौन रोक सकता है। वास्तु कुछ भी कहीं हो लेकिन ये रिजल्ट देगा ही देगा। तो दो चीज़ को ध्यान रखना आवश्यक है, एक तो आपको जल क्षेत्र में अग्नि को नहीं ले जाना है और दूसरा है कि अग्नि के क्षेत्र में जल को नहीं ले जाना है। अग्नि का क्षेत्र आता है, अग्नि कौन से लेकर क्या पूरा समझ ले जो है, सो साउथ वेस्ट का क्षेत्र, यहाँ कभी भी बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक या कोई प्रकार वाटर ना रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।